हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टा चैनल। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे मैंने खुद ने अपना पोर्टफोलियो का SIP स्टार्ट किया, और ग्रो जो एप्लीकेशन है स्मार्टफोन की, उसके थ्रू बेसिकली मैंने इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज़ का SIP स्टार्ट करके L&T मिड कैप फंड में। तो ये जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो वीडियो का लिंक ने नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। अभी ये वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कि इसके बाद का प्रोसीजर क्या हुआ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कि एक बार जो मैंने मनी जो था वो SIP, तो एक्चुअली L&T मिड कैप फंड है, उसके अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद एक्चुअली प्रोसेस में क्या हुआ तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही मैंने एक्चुअली SIP स्टार्ट किया तो मुझे एक्चुअली ग्रो से एक ईमेल आ गया, और ये ईमेल के अंदर एक्चुअली मुझे SIP स्टार्ट हुआ है उसका कन्फर्मेशन आ गया, और इसके अंदर मुझे वो यहाँ पे SIP ID मिला और एक URN नंबर भी मिला, जिसको एक्चुअली मुझे बिलर की तरह मेरे जो ICICI बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर नेट बैंकिंग के द्वारा डालना था। तो यही चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई। इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि 2-3 दिन पास होने के बाद मुझे L&T म्यूचुअल फंड में से एक ईमेल आया, और ये ईमेल में एक्चुअली यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, तो मुझे फोलियो नंबर एक्चुअली मिला और L&T इसमें, और इसमें मुझे इंटीमेशन में लिखा है कि योर परचेज रिक्वेस्ट इन L&T मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फॉर ₹1000 हैज़ बीन प्रोसेस्ड एट द NAV ऑफ 15 अप्रैल 2019 एंड अकाउंट स्टेटमेंट्स फॉलोस। तो ये एक्चुअली यही मुझे बहुत सारे जो रीडर्स है व्यूअर्स, उन लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन मुझे पूछते रहते हैं कि स्मार्टफोन एप्लीकेशंस कितनी सेफ रहती है, जैसे कि ग्रो। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने स्मार्टफोन एप्लीकेशंस का रिव्यू किया हुआ है, उसका भी मैं नीचे वीडियो बिलो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और मैं पर्सनली ये लास्ट 1-2 मंथ से ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे मैं बना रहा हूँ उसका भी मैं अपना जर्नी जो है वो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा सेफ है, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो आपका मनी है वो डायरेक्टली फंड हाउस में चला जाता है BSE के थ्रू। तो बेसिकली आपका जो मनी है वो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म ग्रो, इसके पास नहीं जाता है। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली फोलियो नंबर है वो यहाँ पे मिल गया। तो अगर बाय चांस भी ये कोई भी म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशन है वो अगर शटडाउन हो जाती है फ्यूचर में, तो भी आपके जो पैसे है वो सेफ है, क्योंकि आपको ईमेल के द्वारा बेसिकली ये जो फोलियो नंबर है वो बेसिकली मिल जाता है। तो मैं बेसिकली पर्सनली इस टाइप की जो ऐप है वो मैं पर्सनल कन्वीनियंसी के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे कोई इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे ये अच्छी लगती है एप्लीकेशन स्मार्टफोन से इन्वेस्ट करना, या तो ऑनलाइन फटाफट इन्वेस्ट कर देना, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये सेफ है। अभी इसके एक्चुअली 1-2 दिन बाद मुझे तुरंत ही मैसेज एक दूसरा आया, तो ये था कारवी से CVL KYC अलर्ट के लिए, कि KYC, इसमें ऐसा बोला गया है कि डियर KYC होल्डर, CVL KRA हैज वेरीफाइड योर KYC पान विच हैज बीन एंटर्ड बाय फिनवेंटेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली ये L&T की ही कंपनी है, और बेसिकली इसने KYC वेरीफाई किया, तो इसका भी एक्चुअली ईमेल के थ्रू एक्चुअली अलर्ट आ जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज मैंने उसके जैसे ही ये एलोकेट हुआ, उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक अकाउंट स्टेटमेंट आ गया L&T का। तो ये जो ईमेल है उसके साथ एक्चुअली मुझे PDF वाला एक अटैचमेंट था, जिसमें मेरा पान नंबर दिया गया है, वो पासवर्ड के तौर पर देते हैं। तो ये बेसिकली मेरा L&T मिड कैप फंड का SIP का स्टेटमेंट हुआ। तो आइए देखते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसका स्टेटस क्या है। तो देख सकते हैं कि ये अकाउंट स्टेटमेंट है L&T का, जो कि PDF फॉर्म में है। यहाँ पे फोलियो नंबर दिया है वो मैंने हाइड किया है सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे बेसिकली मेरी डिटेल्स दी हुई है, जिसमें मेरा नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब यहाँ पे डिटेल देते हैं इन्वेस्टर्स की। यहाँ पे बेसिकली नॉमिनी डिटेल्स और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अकाउंट होल्डर की डिटेल्स और ये सब दिया जाता है, और यहाँ पे एक्चुअली KYC स्टेटस और डिटेल दी जाती है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैन नंबर है वो वेरीफाइड है, KYC स्टेटस अभी पेंडिंग में है, लेकिन इवेंचुअली मुझे एक्चुअली एप्लीकेशन में से मैसेज आ गया था कि ये वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 15 अप्रैल को 142.96 पर NAV के हिसाब से 1000 रुपीज़ के यहाँ पे मैंने लिए थे SIP का, जिसका NAV तब ये चल रहा था उस डे पर, तो मुझे 6.995 यूनिट्स अलोकेट हुए।
ठीक है, तो ये मेरा बैलेंस है। अभी इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इसमें नीचे जाते हैं तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लिप दिया हुआ है। सपोज़ बाय चांस फ्यूचर में ये कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाती है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ही प्रिंट करवा के आपका फोलियो नंबर दे के आप बेसिकली अपना जो पैसा है वो रिडीम्शन कब कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो बेसिकली ये कोई भी म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली आपका पैसा लेके चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बिल्कुल ही सेफ है, तो ये माइंड में से आप निकाल दीजिए। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो की समरी दी हुई है। तो पोर्टफोलियो समरी में दिया हुआ है कि मेरा यूनिट बैलेंस है 6.995 है और करंट का वैल्यू 1,000 रुपीज़ एंड 1 पैसा है और मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने जो फर्स्ट SIP किया वो 1,000 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली टोटली सेफ है और बहुत ही कन्वीनियंट है ऑनलाइन जो हो गया इसकी वजह से। अभी मेरा नेक्स्ट SIP का जो डेट है वो बेसिकली 15th of May है। तो जैसे ही वो मेरा नेक्स्ट SIP कट होगा मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो का फ्यूचर अपडेट दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।